हेलो भाई, मैं हूँ अनिल गंगवार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई सामने आ चुकी है न्यू टाटा कर्व। ईवी में नहीं, ईवी में लॉन्च हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था, बहुत लोगों ने देख भी ली होगी। अपने साथ जो ये वेरिएंट खड़ा हुआ है, कल ही लॉन्च हुई है डीजल कार अपने साथ, क्योंकि कल ही पहले टाटा ने ईवी लॉन्च की थी इसकी, फिर कल आपकी 6 तारीख को इसकी डीजल वेरियंट इसका लॉन्च किया गया है। और सामने अपने सामने आप देख ही रहे हो, पीछे से एकदम कूपे बेस्ड स्टाइल, जस्ट लाइक अ लैम्बोर्गिनी, इस तरह की कार्स में आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब एक अलग ही स्टाइल दिया गया है, अभी तक आपको नॉर्मली इस कार में, इस कार्स में इस तरह का स्टाइल देखने के लिए नहीं मिलता था। काफ़ी भारी वर्कम लग रही है। टाटा ने एक नए सेगमेंट पर एंट्री भी की है। वैसे से जो मेनली माना जा रहा है, वो माना जा रहा है क्रेटा, सेल्टोज हो गई, अपनी ग्रैंड विटार हो गई, उन सबके सेगमेंट में ये एंट्री कर रही है। कहाँ तक उन्हें मात दे पाती है, कितना कर पाती है, उन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। फिलहाल कार को फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक करके फीचर्स की भी तो बात कर लें, आखिर हमें इसमें क्या क्या फीचर्स कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई फ्रंट से कार देखेंगे, मतलब वो जो कनेक्टिंग वाला चल रहा था ना, DRL वाला, वो सेम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी डीजल कार स्टार्ट हो गई है, देख ही सकते हो, डीजल के आनंद ही अलग है, वो इंजन की खड़ 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 खड़। बाकी हज़ार्ड इस तरह से LED में ये पूरी कनेक्टिंग लाइट जलती है यहाँ पे। बाकी अगर यहाँ पे हेडलाइट्स की बात करता हूँ, पूरा LED सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। फॉग लैंप का कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। बाकी फ्रंट में आप देखेंगे तो वही फ्रंट 2 पार्किंग सेंसर और यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, तो एक 360 डिग्री कैमरा फ्रंट में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी अगर इसमें बात करेंगे ग्रिल, भाई कुछ कहने ही नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक में। साथ में नीचे देखेंगे तो सिल्वर कलर की स्किट प्लेट, बहुत बेहतरीन। मतलब फिलहाल कार को फ्रंट से देखोगे दो तरह का मिक्सचर लगेगा। एक तरह से आपको लगेगा कि नेक्सॉन देख रहे हैं, पंच देख रहे हैं, कौन सी कार देख रहे हैं आखिर, क्योंकि एक मिला जुला सा ऐसा लगेगा आगे से पंच है या नेक्सॉन। नेक्सॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लगेंगी आपको एक तरह से नेक्सॉन जैसी। साइड से जाएंगे तो काफ़ी हद तक कार में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वहीं विड्थ की बात करूं चौड़ाई की, तो 1810 की यहाँ पर आपको विड्थ। और एक चीज़ बहुत बढ़िया भाई, इसमें अडास भी आ चुका है। सामने देखेंगे आपको यहाँ पर कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है इस तरह से। तो इस तरह से था कुछ फ्रंट व्यू। बाकी अब कार के साइड में आते हैं, साइड से भी तो देखें आखिर हमें इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल जा रहा है। मैं भाई साइड से स्टार्ट करूं कार को, अलग ही कहने कर्व की बेजिंग यहाँ पर इस तरह से क्रोम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी स्टाइलिश, बहुत बढ़िया लगता है। पूरी ब्लैक क्लैडिंग जो कि 360 डिग्री घूमती है, रगेड फील देने के लिए, स्पोर्ट्स फील, और पूरी ग्लॉस में है ये यहाँ पे। अलॉय व्हील्स की बात करूँ, स्टाइलिश व्हील है अलॉय, तो वही स्टाइल व्हील है, ये भी अलॉय व्हील नहीं है। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पे, बाकी इसमें आगे डिस्क ब्रेक मिल जा रहे हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/55 R18 इंचेस में। अगर आप सेगमेंट की बात करते हो ना, एक आपकी सेल्टोज आ जाती है, क्रेटा का एन लाइन आ जाता है, तो वहीं पे 18 इंचेस मिलते हैं। बाकी बहुत कम कार्स हैं जो इस सेगमेंट में 18 इंचेस के टायर आपको देती हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा, ब्लैक ORVM विद इंटीग्रेटर, इसी पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। पैसिव एंट्री और इस तरह की एक डोर्स की भी, मतलब गेट की भी एंट्री हो चुकी है इस तरह की, भाई ओपन करने के लिए इसको यहाँ से इस तरह से थोड़े से स्टाइलिश से। बाकी इसमें अगर कभी चाबी अभी खो जाए तो यहाँ दिया हुआ है XUV की तरह, जुगाड़ जुगाड़ से लगाने के लिए। बाकी अगर लेंथ की बात करूँ, लगभग 4300 के लगभग मिल जाती है। एग्जैक्ट फिगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और अगर बात करते हैं भाई यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बहुत मिल जाता है, 208 mm का मिल जाता है। लेकिन अगर आप EV में जाते हो कर्व की, तो वहाँ पे आपको कम मिलता है, केवल 190 mm का देखने के लिए मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए तो साइड से कुछ इस तरह तक का था लुक। बाकी रियर व्यू में देखते हैं तो एक तो ब्लैक भूरा वो डुअल टोन वाला है ना, तो टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है, तो डुअल टोन तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अपना शार्क फिन एंटीना आ गया, रियर डिफॉगर आ गया, बहुत छोटा सा स्पॉइलर, जैसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत छोटा सा दिया हुआ है। बाकी पूरी कनेक्टिंग लाइट आपको रिवर्स में भी देखने के लिए मिल जाती है। कर्व की वेजिंग, 360 डिग्री कैमरे का पीछे का पोर्शन आ गया, और 2 पॉइंट अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर आ गए। ब्लैक बम्पर, साथ में अपना क्या आ गया भाई, सिल्वर कलर में स्किट प्लेट आ गई है। भाई अगर मैं बूट को ओपन करता हूँ इस तरह से, भाई ऑटोमेटिक अपने आप ही खुलेगा, बहुत सही। बाकी इसमें डिफॉगर तो आ जाता है, वॉशर यूनिट नहीं आती, क्योंकि इस तरह की कार्स में नहीं आती है, वो आपको MPV सेगमेंट्स की कार में देखने के लिए मिलती हैं। बाकी अगर बूट की बात करूँ, काफ़ी बड़ा मिल जाता है स्पेस। बाकी JBL का एक स्पीकर सब बूफर यहाँ मिल जा रहा है। इधर देखेंगे तो बूट लाइट देखने के लिए मिल जाती है। अगर नीचे बात करता हूँ स्टेपनी की, तो स्टेपनी का साइज़ भाई 16 इंच का है, 215/65 R16, 2 इंच छोटा देखने के लिए मिलता है। और रिम ही देखने के लिए मिलेगा भाई, क्योंकि बाहर ही नहीं आ रहे हैं कुछ, तो हाँ प्रॉपर रिम देखने के लिए मिलता है, कोई भी अलॉय व्हील या स्टाइल व्हील देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी बूट स्पेस की बात नंबर में करूँ, तो 500 लीटर का बूट स्पेस हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बाकी इसे बंद करते हैं, बटन को दबाना है और ये बंद हो जाएगी।
बाकी अगर इधर बात करता हूँ फ्यूल टैंक की, तो भाई फ्यूल टैंक इधर देखने के लिए मिल जाता है, डीजल कार खड़ी हुई है, 44 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल पूरा 360 व्यू था कुछ इस तरह से। आप कार के अंदर चलते हैं और बात करते हैं अंदर से कार कैसी दिखती है। तो अंदर चलने से पहले भाई कार की कीज़ ये रही रखी हुई, कुछ बेहतरीन सी, मतलब टाटा ने कुछ बदलाव किया और एक बढ़िया सी प्रीमियम की आपको यहाँ ला के दी है। लॉक अनलॉक ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं, यहाँ से बूट अपना ओपन हो जाएगा इलेक्ट्रिक है डायरेक्ट। चलें अंदर की तरफ भाई, चलिए जी अब अंदर बैठते हैं और अंदर से देखें कार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर साइड गेट की बात करूं भाई, ओपनिंग देखिए लगभग 90 डिग्री पे ओपन हो रहा है, ग्लॉसी ब्लैक पूरा फिनिश, ऑल फोर पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हो गया, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, स्पीकर बुफर ट्विटर सब कुछ मिल रहा है, बाकी एक रोम में डोर हैंडल्स होगा। अगर इधर बात करूँ सीट पे भाई, अलग ही कहने, और सबसे मेन बात ये दिख गया ना, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वेंटिलेटेड, बाकी ये परफोरेशन तो दिए हुए हैं ही हवा आने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है, स्कूप्स देखिए बहुत कम्फर्टेबल लग रही हैं। बाकी बैठ के देखते हैं आखिर कंफर्ट मिल कैसा रहा है। अगर कंफर्ट की बात भाई बैठ के करें, बहुत आरामदायक सीट्स हैं, मतलब एक तरह से बिल्कुल पैक कर ले रही हैं आपको अंदर कार में। चलें इधर से, तो भाई जादुई बटन दबाते हैं जो कि हमें इधर दिया हुआ है। हाँ जी, इस तरह से भाई JBL की बैजिंग आ गई है, पूरा इधर टाटा मोटर्स आ चुका है, मतलब एकदम इल्यूमिनेटेड यहाँ पे अपना लोगो आ गया है टाटा का। बहुत कुछ दिया हुआ है, अडास लेवल 2 आता है, क्रूज कंट्रोल हो गया, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे टाटा का लोगो हॉर्न आ जाएगा अपना, बाकी तो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हो गए, कॉलिंग के कंट्रोल्स हो गए, वो सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर ध्यान देंगे तो भाई सबसे पहला है व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या हो गया भाई, अपनों को क्या देखने के लिए मिल जा रहा है, TPMS रेंज देखने के लिए मिल जा रही है, 173 किलोमीटर अभी चलेगी इतने डीजल में अपनी गाड़ी। बाकी इधर ध्यान देंगे तो हेडलाइट के कंट्रोल, इधर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। अगर MID में कुछ चेंज करना है तो ये बटन दिया हुआ है भाई, ये देखिए नेविगेशन मीडिया, मतलब यहीं से सब कुछ चेंज हो जाएगा भाई, बहुत सही। डिस्टेंस टू MT एम्परेज, बाकी ये मोड्स आ गए, सिटी मोड में इस समय तो सिटी मोड में है, बाकी इसे हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इधर भाई, तो ये दिया हुआ है भाई इतना बड़ा म्यूज़िक सिस्टम, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स तक मिल रहा है आपको, AC कुछ भी सेट करना है तो भाई यहीं से इजीली सेट हो जाएगा। ये देखिए आराम से बिल्कुल JBL के स्पीकर मिल रहे हैं, बाकी इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। नीचे बात करूं भाई तो क्या क्या मिल रहा है, बूट रिलीज यहाँ से हो जाएगा, लॉक अनलॉक यहाँ से हो जाएगा, हिल डीसेट कंट्रोल, फॉग लैंप को ऑन ऑफ करना है, 360 व्यू ये देखिए मैं दबाता हूँ, क्वालिटी देखिए भाई, टाटा से बढ़िया क्वालिटी तो कोई दे ही नहीं रहा है इस समय, बिल्कुल लिटरली कोई नहीं दे पा रहा है। देख रहे हैं आप क्या कैमरे की क्वालिटी है। बाकी नीचे और ध्यान देता हूँ, AC के कंट्रोल्स हो गए, टेम्परेचर अप डाउन, फैन स्पीड अप डाउन करनी है हमें कुछ भी, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर हो गया, सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। नीचे बात करूँ तो 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे USB हो गया और एक चार्जिंग पिन हो गई डेडिकेटेड सी टाइप, यहाँ पे और कुछ नहीं है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गेयरबॉक्स हो गया और रिवर्स बिल्कुल कहाँ गया भाई, ये है भाई रिवर्स, ये रहा ये यहाँ पे ये जाएगा ऐसे ऐसे रिवर्स चल जाएगा, ये देखिए रियर कैमरा आ गया, ये जो होता है ना क्रेटा हुंडई में चलता है वो उठा के आगे, इसमें पीछे आना होता है भाई। इधर आ जाए, मोड आ गए सिटी इको स्पोर्ट अपना 3, अभी सिटी पे गा रहा है तो देखिए सिटी लिखा हुआ भी आ रहा है। बाकी इधर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये सब हो गया भाई, वायरलेस चार्जर मिल जा रहा है। और आपने एक चीज़ ध्यान दी भाई, इंटीरियर का कलर, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, अलग ही लेवल बिल्कुल। बाकी भाई आर्मरेस्ट ये हो गया, ठीक ठाक स्पेस है, अच्छा खासा अंदर तक पूरा ये काफ़ी सही स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। अगर इधर किसी भी एलिमेंट की आप बात करते हो, दिखता सॉफ्ट टच है लेकिन सब कुछ हार्ड टच है, ये सब कुछ भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अंदर एजेंसी के, बहुत गर्मी है, लिटरली बहुत गर्मी है यार। चलिए फिलहाल तो इधर यही सीन हो गया, बाकी इधर ही अपना इलेक्ट्रॉनिक IRVM हो गया ऑटोमेटिक, इधर ध्यान देंगे वैनिटी मिरर विदाउट लाइट, और इधर टिकट होल्डर, भाई ये सब तो प्रीमियम कर देते, यहाँ पे लाइट कैसी दी, अच्छा तो ये चला के देख लें, ओहो ये LED में दे दी। बाकी भाई सनरूफ देखने के लिए मिल जा रही है, काफ़ी बड़ी पैनारोमिक बोल सकते हैं इसके हिसाब से बिल्कुल इसको। और क्या देखने के लिए मिल रहा है, सनग्लास होल्डर नहीं मिल रहा है, नथिंग, दैट्स इट भाई, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही हैं। चलें पीछे की तरफ, और पीछे भी तो देख लें आखिर कार में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। भाई रियर साइड में आते हैं तो इसको पहले, हाँ जी
रियर साइड गेट वो तो टाटा का रही है, ओपन काफ़ी हद तक होता है, 90 डिग्री तक ग्लॉसी ब्लैक में, डोर हैंडल पूरा एकदम बढ़िया से, ये तो हर गाड़ी में रहा है इनका, क्रोम में वो हैंडल्स हो गए, बॉटल होल्डर आधे लीटर का आ जाता है अपना यहाँ पे। सीट्स की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, दो हेडरेस्ट दे रहे हैं, बीच वाला एड्रेस इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है ना यहाँ पे क्योंकि पीछे वाला शीशा छोटा है, अगर ये हेडरेस्ट दे देंगे ना ये स्पेस ही नहीं है तो पीछे का दिखना ही बंद हो जाएगा ड्राइवर को, एक ये भी सीन है यहाँ पे। बाकी भाई 60-40 के रेशियो में सीट है, 60 ये हो गया 40 ये हो गई, आर्म रेस्ट दे दिया जा रहा है कप होल्डर के साथ, बहुत बढ़िया। आप इधर ध्यान देंगे तो दो AC वेंट हो गए, USB हो गई, एक सी टाइप चार्जिंग पिन हो गई, दो चार्जिंग पिन हो गए। लाइट्स की बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ मिल जा रही हैं ऑन ऑफ यहाँ से LED में, ठीक है। अगर हेड रूम की बात करें तो हेड रूम ठीक है, मतलब इतना बढ़िया नहीं कहेंगे यहाँ पे क्योंकि गूपे बेस है, इतनी जगह अगर कोई गड्ढा आया तो सीधे सर इसमें टकराएगा अच्छे से, ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी वहीं अगर मैं बात करूँ लेग रूम की भी तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता था, वो भी आपको इतना बढ़िया नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था यहाँ। चलिए बाकी दो डन रिपोर्ट है, अब चलते हैं बाहर की तरफ, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन सेफ्टी और रुपए की भी बात कर लेते हैं। भाई अगर बात करूँ इसके इंजन की तो टाटा हमेशा से इंजन के मामले में बात करती रही है। बाकी अगर इसकी बात करूँ इसमें 1500 CC का इंजन देखने के लिए मिलता है, डीजल इंजन, देख रहे हो कितनी बड़ी गाड़ी, कूपे बेस स्टाइल, लैम्बोर्गिनी स्टाइल। लेकिन भाई अगर मैं इसकी बात करूँ ना इसमें सिलेंडर कितने मिलते हैं तो 3 सिलेंडर इंजन ही देखने के लिए मिलता है, जो कि 116 BHP की पावर और 260 Nm का टॉर्क निकाल के हमें दे देता है। भाई अगर इसके एवरेज की बात करूँ तो कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है ना डीजल पे, इसका 3 सिलेंडर इंजन है, इतना भारी वर्गम तो इंजन भी नहीं है 1500 CC, लेकिन कंपनी जो इसका एवरेज क्लेम कर रही है वो 18 से 19 का एवरेज कंपनी यहाँ पर इसका क्लेम कर रही है। भाई अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो टाटा ने सही में काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया करी हैं। जस्ट लाइक मैं इसके बेस वेरियंट की बात करूँ तो जो इसका बेस वेरियंट है वो 9,99,000 से शुरू हो जाता है। अब आप ये सोचिए 9,99,000 से आपको इतनी बढ़िया कार मिलने लगे, बेस वेरियंट की बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, अब जैसे ही आती है वो भी आपको दिखा दी जाएगी। बाकी अगर टॉप की बात करूँ डीजल बिल्कुल मैनुअल में टॉप जो अपना आता है कम्प्लीट एफ, वो कितने में पड़ता है, वो भाई 20.5 लाख के करीब इसका टॉप वेरिएंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार, कार पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।